राजकोट किले में 35 फीट ऊंची प्रतिमा सोमवार दोपहर को अचानक ढह गई। इस मूर्ति के कई टुकड़े हो गए। तस्वीरें सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटने के बाद की हैं। कई दिन हुई भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से यह घटना बताई जा रही है। मूर्ति के टूटने से सियासी विवाद खड़ा हो गया। अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। शिवाजी महाराज की मूर्ति विवाद पर सीएम एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि मौसम की वजह से यह घटना हुई। सीएम शिंदे के मुताबिक उस दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, लेकिन वही विपक्ष इसको भ्रष्टाचार बता रही है, जिसकी वजह से मूर्ति ढह गई। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के दावे को कांग्रेस ने झूठ करार दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले कहते हैं कि उस दिन 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। इस प्रतिमा का अनावरण पिछले साल नौसेना दिवस पर पीएम मोदी ने किया था। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने शिंदे सरकार पर आरोप लगाते हुए काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। नौसेना ने अपने बयान में कहा कि यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे में इस घटना के कारणों की तुरंत जांच के आदेश दिए गए। नौसेना ने भी शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने की घटना को गंभीरता से लिया और गहरी चिंता जताई। इस मामले की जांच के लिए नौसेना ने जांच टीम तैनात किए। दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ठेकेदार जयदीप आपटे और उसके सहयोगी चेतन पाटिल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आरोपियों की कंपनी को मूर्ति बनाने और लगाने का काम दिया गया था।